नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हार्दिक पांड्या का लगातार फ्लॉप शो जारी। उनको भारतीय टीम में लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हार्दिक पांड्या अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं रहे। उन्हें भारत और श्रीलंका के बीच हुई वनडे सीरीज के सभी मैचों में मौका मिला, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। वहीं जब उनको श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज में मौका दिया गया तो वो वहां भी फ्लॉप रहे। वो ना बल्ले से टीम को योगदान दे पा रहे हैं और ना ही गेंद से टीम को कोई फायदा पहुंचा रहे। यही नहीं, बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाने वाले पांड्या अब कैच भी ड्रॉप करने लगे। हार्दिक पर प्रदर्शन के चलते लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको जल्द ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता, लेकिन फिलहाल वो क्रिकेट फैंस के निशाने पर बने हुए, जहां फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। प्रिंस पांडे नाम के यूजर ने जाकिर खान की एक तस्वीर साझा की, जिस पर लिखा हुआ है, ये हमारा लड़का नहीं है। साथ ही उन्होंने इसका कैप्शन दिया, कैच छोड़ने के बाद हार्दिक के पेरेंट्स। वहीं सुधांशु रंजन सिंह ने तो हार्दिक पर श्रीलंकन टीम से खेलने के आरोप लगा डाले। उन्होंने हार्दिक की एक तस्वीर साझा की जिसमें वो श्रीलंका की क्रिकेट जर्सी में नजर आ रहे। साथ ही उन्होंने इसका कैप्शन देते हुए लिखा, हार्दिक आज के मैच में। इसके अलावा कुछ फैंस ने तो उनके ऑलराउंडर होने पर भी सवाल उठा दिए। मिस्टर सार्केस्टिक ने एक तस्वीर साझा की जिस पर लिखा हुआ है, तू ऑलराउंडर है ना। साथ ही उन्होंने इसका कैप्शन देते हुए लिखा, हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन को देखने के बाद भारतीय प्रशंसक। वहीं एक फैन तो हार्दिक से कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। अंकित नाम के इस फैन ने हार्दिक पर तंज कसते हुए कहा, भैया हार्दिक अब क्या सी टीम बना के दे तब खेलोगे। जबकि एक फैन ने तो हार्दिक की टीम से विदाई की भी घोषणा कर दी। जयस्वामी ने हार्दिक की एक तस्वीर साझा की जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे हार्दिक को कंधों पर उठाए फेयरवेल दे रहे। साथ ही उन्होंने इसका कैप्शन देते हुए लिखा, हार्दिक पांड्या को अब तक के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यही नहीं, कुछ प्रशंसक ऐसे भी हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हार्दिक को इंडियन टीम की जगह मुंबई इंडियंस की जर्सी पहना, तब शायद वह अच्छा खेल सके। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया, जिसमें हार्दिक 12 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हुए। यही नहीं, अपनी शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाने वाले हार्दिक ने दूसरे ओवर में एक कैच भी टपका दिया। वहीं वनडे मुकाबलों की बात करें तो पहले वनडे में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में वो खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि तीसरे मैच में 19 रन बनाकर वो आउट हो गए। हालांकि भारत ने शानदार गेंदबाजी के दम पर मैच को अपने नाम कर लिया और 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से अपनी बढ़त बना ली। वैसे आप हार्दिक के परफॉर्मेंस को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।